नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र कोर्ट रोड में गर्ल्स स्कूल के पास निवासरत गणेशा ब्लेस्ड पब्लिक स्कूल के संचालक राम गुप्ता ने अपने मोहल्ले में एक मुहिम चलाई है। इस मुहिम में लोगों को जोड़कर राम गुप्ता ने अपने ही मोहल्ले को सैनिटाइज कराया। इस मुहिम में पूरा मोहल्ला राम गुप्ता के साथ रहा। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने एकजुट होकर बाजार में सैनिटाइजर मंगवाया और मोहल्ले को सैनिटाइज भी किया। राम गुप्ता ने फास्ट समाचार की टीम को बताया कि पूरे विश्व में चल रहे कोरोना वायरस को लेकर कल उन्होंने शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल से बात की, जहां उन्होंने एसपी राजेश सिंह चंदेल को इस मोहल्ले को सैनिटाइज करने की बात बताई, जिस पर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने इस सुझाव की सराहना की, जिस पर से राम गुप्ता ने अपने ही वार्ड क्रमांक 5 के लोगों को इकट्ठा कर अपने वार्ड को सैनिटाइज करने की योजना बनाई। इसी के चलते सैनिटाइजर का घोल बनाकर लोगों को घर घर जाकर दिया, जहाँ लोगों ने अपने अपने घरों। आज ये आपने एक मुहिम चलाई है आपके वार्ड नंबर 5 में कोर्ट रोड पर, मुहिम क्या मुहिम थी ये? मुहिम एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में कोरोना का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ रहा है, उसको घटाने के लिए शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इस बीमारी को रोकने के लिए भी हम भी प्रयास करें। तो कल मैंने हमारे ज़िले के ओजस्वी और प्रतिभावान एसपी श्री राजेश सिंह चंदेल जी से बात करी कि हम लोग भी अपने वार्ड में अपने मोहल्ले में स्प्रे करना चाहते हैं ब्लीचिंग घोल पाउडर का, और मैंने डॉक्टर खरे से उसको बनाने की विधि सीखी और साहब ने मुझे परमिशन दी। और हमने अब ये सोचा है कि जिला प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए हम भी रोज़ नियमित 11 बजे हमारे पूरे मोहल्ले वाले, जिन्होंने अपना शारीरिक आर्थिक मानसिक सहयोग दिया है, और सब रोज़ प्रतिदिन 11 बजे मोहल्ले में ब्लीचिंग पाउडर के घोल का छिड़काव करेंगे अच्छे से, और सैनिटाइज़र एक दूसरे को बांटेंगे, ताकि ये कोरोना वायरस की बीमारी अति शीघ्र यहाँ से समाप्त हो सके और भारत इसे स्वतंत्रता प्राप्त करके अपने अपने काम पे नियमित लग सके। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा तो रोज़ सुबह भगवान की पूजा करते हैं, भगवान ने दी, और मैं अपने मोहल्ले वालों का इसके लिए बहुत एहसानमंद हूँ कि जब मैंने उनसे पूछा फ़ोन के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि अपन ऐसा करना चाहते हैं, तो ये सहयोग के ये कार्य करने की प्रेरणा मेरे सभी पड़ोसियों ने मुझे दी, और वो ही पड़ोसी हैं जो सारे लोग खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं सब लोग दूर दूर खड़े हैं और सब अपने घरों के आगे स्प्रे करेंगे, तो इसका श्रेय पूरे मोहल्ले वासियों को जाता है। आज हम खड़े हैं कोर्ट रोड, ये सबका शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। यहाँ पर आपने एक समय देखा होगा कि लोग बाइक निकालने तक में दिक्कत देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये जो गलियाँ हैं देखिए, दूर दूर तक सन्नाटा नज़र आ रहा है। दूर दूर तक आपको ना तो आदमी नज़र आ रहा है, ना आदमी की जात नज़र आ रही है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ लोग कोरोना वायरस, जो हमारे देश में एक बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है, उससे निपटने के लिए प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जागरूक जनता ने अपना काम स्वयं अपने कंधों पे उठा लिया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, लोग बाग अपने कंधों पर लेकर स्प्रे कर रहे हैं उस दवाई से, जिससे वायरस नाम की जो चीज़ है वो यहाँ से चली जाए। इसी क्रम में आज हम यहाँ पर देखो लोगों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। तो क्या नाम है आपका? रवि जैन। रवि जैन जी, यहाँ पर आप लोग स्प्रे कर रहे हैं, तो क्या क्या किस उद्देश्य से आपने स्प्रे सोचा है? उद्देश्य का एक ही मकसद है हमारा कि जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम महामारी चल रही है कोरोना, उससे निजात पाना। तो ये प्रेरणा आप लोगों को कैसे मिली? प्रेरणा हमको गणेशा ब्लेस स्कूल के संचालक राम सर ने दी थी, उनके द्वारा हम पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और उसका स्प्रे कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो देखा आपने कि यहाँ के लोगों ने अपने कंधों पर इस कोरोना को मिटाने की कसम खा ली है। कैमरामैन गोलू के साथ अजय राज सक्सेना, शिवपुरी।